गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.1। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। सिंप्लीफाई 14 माइनस माइनस 18 प्लस माइनस 32 माइनस माइनस 15। हमको क्या करना है, इसमें सिंप्लीफाई करना है इसको। तो फॉर सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट दिस क्वेश्चन 14 माइनस माइनस 18 प्लस माइनस 32 माइनस माइनस 15 इक्वल माइनस 14 माइनस माइनस प्लस प्लस 18 प्लस माइनस 32 माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस 15 माइनस 14 प्लस 18 प्लस माइनस 32 प्लस 15। दोनों के साइन क्या है, अपोजिट साइन है, तो नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 12 माइनस 5 7 5 12 2 माइनस 1 1 और ये साइन क्या होगा इसका, निगेटिव साइन। 14 प्लस 18 माइनस 17 प्लस माइनस माइनस। अब ये दोनों क्या होंगे, दोनों के साइन पॉजिटिव या निगेटिव, ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे। 8 4 12 वन कैरी 1 1 2 1 3 माइनस 17 इक्वल टू 32 माइनस 17। अब ये सबट्रैक्ट कर देंगे, 12 माइनस 7 5 12 माइनस 7 5 एंड 2 माइनस 1 1। आंसर कितना हो जाएगा, 15। तो इसका आंसर आप लोगों का आ गया क्या, 15। इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव साइन ही होगा। ये इसका हो गया सिंप्लीफिकेशन इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ ए इक्वल टू माइनस 10 बी इक्वल टू माइनस 4 सो दैट ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। हमको क्या करना है, सो करना है इफ़ ए इक्वल टू माइनस 10 बी इक्वल टू माइनस 4 देन सो करना ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। मतलब ए माइनस बी की जो वैल्यू आएगी वो बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगी। सिंस ए इक्वल टू माइनस 10 बी इक्वल टू माइनस 4 देन ए माइनस बी इक्वल टू माइनस 10 माइनस माइनस 4 इक्वल टू माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू माइनस 6 एंड बी माइनस ए इक्वल टू बी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 4 माइनस ए की वैल्यू क्या है माइनस 10। तो माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल टू क्या आ गया प्लस 6। ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही थी माइनस 6, बी माइनस ए की वैल्यू प्लस 6। हेंस लास्ट में राइट करेंगे, हेंस ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए प्रूव्ड। हमको यही शो करना है कि ए माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल नहीं है। तो एक बार ए माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे एट ए इक्वल टू माइनस 10 बी इक्वल टू माइनस 4 पे एंड देन वी फाइंड बी माइनस ए एट ए इक्वल टू माइनस 10 बी इक्वल टू माइनस 4 पे। तो दोनों के वैल्यू डिफरेंट आ रहे हैं, हेंस ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आप लोगों का, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट। वैल्यू किसका फाइंड करना है हमको, 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 5 माइनस माइनस 4।
इसकी हमको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, थ्री प्लस माइनस फोर प्लस माइनस फाइव माइनस माइनस फोर इक्वल थ्री, प्लस माइनस फोर प्लस माइनस माइनस फाइव माइनस माइनस प्लस फोर। साइन लाइक साइन वाले जो इंटीजर्स हैं उनको ऐड कर लेंगे, सेम साइन प्लस फोर प्लस थ्री प्लस सेवन माइनस फाइव माइनस फोर माइनस नाइन, आंसर इज माइनस टू। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका जो वैल्यू हो गया माइनस टू। ये था क्वेश्चन नंबर नाइन का फर्स्ट पार्ट। सेम इसी तरह से जैसे हम इसको सॉल्व किए हैं, इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर नाइन का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, ट्वेंटी थ्री माइनस नाइन प्लस ट्वेल्व माइनस सिक्स। ये क्वेश्चन है आप लोगों का, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, 23 माइनस नाइन प्लस 12 माइनस सिक्स। तो क्या होगा ये, 23 माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस 23 प्लस नाइन, 23 प्लस नाइन प्लस 12 माइनस प्लस 12 प्लस सिक्स इक्वल 23 प्लस नाइन 32 प्लस 12 सिक्स 18 18 प्लस 32 8 to 10 3 1 4 1 5 आंसर इज 50। तो इसका सिंप्लीफिकेशन जो हो गया वो क्या हो गया, 50। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी, 50 आएगी। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों का ऑपरेशंस, इसके पहले के वीडियोस में हम लोग क्या पढ़े हैं, ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स में, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो इस ऑपरेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स के। जैसे हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स में प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, उसी तरह से हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे क्या मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स में प्रॉपर्टीज़, क्लोजर प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।